नमस्ते सभी भाइयों को, मिलाता बिंदेश्वर भाई से। इनका वीडियो पे लगभग 1500 आदमी देख चुका था, तो बिंदेश्वर भाई से पूछेंगे। मार्च में आया हुआ था, मार्च से लेके अभी चल रहा है अगस्त में जुलाई चला, जुलाई के लास्ट महीना में बिंदेश्वर भाई से पूछ रहे हैं कि रशिया में मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अब बिंदेश्वर भाई जी, हमको बहुत मन लग रहा है रशिया में आकर के। बसिया खाते हैं और उसमें जो है इतना आनंद मिलता है, देखिए सेहत मेरा दुगना हो गया। देख रहे और हाँ, और मैं क्या बताऊँ, यहाँ इतना अच्छा मौसम है, पेड़ पौधे, ये प्राकृतिक हवाएं इतनी मस्त है, जिसका हिसाब जितना भी किया जाए वो कम ही पड़ता है। पहले आदमी के डिमोटिवेट करते पहले है कि बसिया खाना मिलता है, तो ऐसे आगे कैसे आदमी। अब बताइए, मैं घर पे कभी नहीं खाता था, लेकिन यहाँ खाया तो पता चला कि बसिया रोटी में और चावल में बहुत ही ताकत होती है। मालूम पड़ गया ना? हाँ जी, यहाँ सैलरी सब ठीक ठाक मिल रहा है, बहुत बढ़िया मिल रहा है, एकदम टाइम टू टाइम पेमेंट है, पेमेंट में कोई झंझट नहीं है। आए कैसे थे यहाँ रसिया? यहाँ आए देखा हमारे अनर्जीत भाई है, हाँ, बोले कि पैदल आए थे। गड़बड़ करते हैं हम, कोई स्क्रिप्ट नहीं है हमारे बीच। हमारे यूट्यूब पे मैंने अभी जो ब्लॉगिंग चल रहा है उस पर कोई भी आदमी बीच में आकर कुछ भी बोल सकता है। एंजॉय करते थे इंडिया में, सही बताइए। हाँ, एंजॉय तो मैं वहाँ भी करता था, लेकिन यहाँ का मौसम के अनुसार से बहुत ही आनंद मिलता है। आप पाई भेजेंगे आपको, आराम बैठा के वीडियो बनाओ। बिंदेश्वर भाई यहाँ आए थे कैसे? बहुत आदमी पूछ रहे थे कैसे आए थे। हम यहाँ पे एक मेरा दोस्त थे यहीं पे इसी कंपनी में, तो उन्होंने हमसे पूछे कि आप आएंगे, तो मैंने बोल दिया कि हाँ, एक बार पासपोर्ट बनाया हूँ तो एक बार जाते तो थोड़ा देख भी लेते कैसा विदेश है। तो मैंने विचार बनाया और फिर मेरे दोस्त ने बात किए और मेरा वीजा लगवा दिए और मैं आ गया यहाँ। अच्छा, और खुशी से रह रहा हूँ, और फिर कुछ कमा लूंगा, अच्छा पैसा हो जाएगा तो चला जाऊंगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर आगे वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें और अपने दोस्त